हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ सब सही होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूट्यूब शॉर्ट्स से रिलेटेड। यूट्यूब शॉर्ट्स यूट्यूब का नया फीचर्स है जो आप सभी को आपके एप्लीकेशन पे भी देखने को मिल रहा होगा। बट अगर आपको आपके एप्लीकेशन पे देखने को नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस फीचर्स का, नए फीचर्स का लाभ भी उठा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मैं बताऊंगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं और YouTube Shorts आने वाले समय में कितना अच्छा जरिया हो सकता है TikTok का टक्कर देने के लिए। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आप कभी मिस नहीं करेंगे इस YouTube चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, तो बात करें यूट्यूब शॉर्ट्स की, तो यूट्यूब का जो शॉर्ट्स फीचर्स है इसमें यूट्यूब दिन प्रतिदिन नए नए फीचर्स ला रहा है। और रिसेंटली यानी कि आज के दिन, आज का नया अपडेट की बात करें तो YouTube ने नया पॉलिसी भी लाया है जो कि शॉर्ट्स क्रिएटर लोगों के लिए है। वो पॉलिसी ये है कि अभी YouTube अपने शॉर्ट्स क्रिएटर्स लोगों के लिए, मतलब कि अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, आप छोटे वीडियोस बनाते हैं जिसका साइज 15, 30 या फिर 60 सेकेंड्स के अंदर में आता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है क्योंकि YouTube अपने नए पॉलिसी में YouTube Shorts के क्रिएटर्स लोगों के लिए फंड रेज कर रहा है और वो फंड $100 से लेकर के $10,000 तक है। अब बात करें जो YouTube ने फंड रेज किया है $100 से लेकर के $10,000 तक, ये सब क्रिएटर्स पे मतलब लागू होता है। जो आप अगर आपके अगर मतलब कि ऐसा नहीं कि अगर आपके 100 सब्सक्राइबर्स है तो आप पे लागू नहीं हो, या ये सब क्रिएटर्स पे लागू होता है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है अगर आपके मोनिटाइजेशन एनेबल नहीं है, मतलब कि 4000 आवर्स के अगर वॉच टाइम कंप्लीट भी नहीं हुए हैं और 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, तो आप टेंशन की कोई बात नहीं, आप पे भी ये लागू होता है। और यहाँ पे अगर बात करें शॉर्ट्स वीडियो की, तो शॉर्ट्स वीडियो में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप सभी को ध्यान देने की बात है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन मैं आप सभी को बताता हूँ। सबसे पहले, आप सभी को शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट करने नहीं आता है तो आप सभी को मैं बता दूं, आप सभी को YouTube के एप्लीकेशन में जाना है और YouTube के एप्लीकेशन में आप जैसे वीडियोस अपलोड करते हैं उसी में सेक्शन में आप सभी को बीच में क्रिएट अ शॉर्ट्स का ऑप्शन भी मिलेगा, उसी पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपने जो शॉर्ट्स को क्रिएट किया है, मतलब कि अगर आप शॉर्ट्स की साइज की बात करें तो वो साइज 15 सेकेंड, 30 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड के अंदर ही होना चाहिए। बट अगर आप 60 सेकंड से ज्यादा बनाते हैं तो आप उसको क्रिएट अ शॉर्ट्स के अलावा डाल सकते हैं वीडियोस में, वीडियोस के प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं जिसमें आप वीडियोस अपलोड करते हैं रेगुलर, ठीक है। तो शॉर्ट्स वीडियो के लिए मैं आप सभी को मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं वीडियोस क्रिएटर लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं तो उसका साइज 15, 30 और 60 के सेकंड्स के अंदर में होना चाहिए। और अगर आप वीडियोस को बना लेते हैं और आपका वीडियोस, हो सकता है आपका वीडियोस में वो क्वालिटी हो, वो अच्छा, मतलब आपने अच्छा लिपसिंग किया हो, सकता है कुछ भी हो, अगर होता है तो हो सकता है आपका शॉर्ट्स वीडियो वायरल भी हो। तो अगर आपके सब्सक्राइबर्स, ये 100 सब्सक्राइबर्स भी रहेंगे बट आपके वायरल वीडियोस अगर 1 मिलियन या फिर 1 लाख क्रॉस भी होते हैं, तो उस हिसाब से यूट्यूब आपको मेल एक कर सकता है जो कि यूट्यूब के ऑफिशियल मेल पे आएगा, आपके ही मेल पे आएगा, ऑफिशियल मेल पे, और YouTube का ऑफिशियल मेल रहेगा, उसमें आपको क्लेम अ रिवॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा जिसको आप क्लेम करके अपने मोनेटाइजेशन को 100 सब्सक्राइबर्स में भी ऑन करवा सकते हैं और उससे आप शॉर्ट्स वीडियो से भी पैसे कमा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को फुल डाउट क्लियर हो गया होगा। बट इसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, हम लोग किसी का भी कॉपी, वीडियोस को कॉपी करके शॉर्ट्स में अपलोड कर सकते हैं जिससे हमको भी, हमारा भी मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाए 150 सब्सक्राइबर्स में, है ना। बट मैं आप सभी को बता दूं, से आपका ये गलत फहमी है, ठीक है, क्योंकि YouTube आप सभी को अथॉरिटी अभी तक नहीं दिया है कि आप किसी का वीडियोस को कॉपी करें। यहाँ पे अगर YouTube पे अगर आप शॉर्ट्स कॉपीराइटेड वीडियोस डालते हैं तो हो सकता है YouTube आपको माफ करे, बट शॉर्ट्स वीडियो में अगर आप कॉपीराइटेड वीडियोस डालते हैं और अगर वो गलती से भी वायरल हो गया और YouTube को पता चला से आपने कॉपीराइटेड वीडियोस डाला है, तो आपको वो क्लेम के ऑप्शन, आप मतलब क्लेम के हिस्सेदार आप नहीं होंगे। तो इस चीज को आप
अच्छे से समझिएगा और आप अपना ओरिजिनल वीडियोस ही डालिएगा जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। हो सकता है आपका पहला वीडियो ग्रो ना हो, दूसरा ग्रो ना हो, बट आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने से लिपसिंग करके या फिर अपने ओरिजिनल वॉइस से भी आप ट्राई कर सकते हैं जिससे आप भी हकदार बन सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो के अच्छे लेवल में आने के लिए। मैं आशा करता हूँ आप सभी को डाउट्स क्लियर हो गया होगा शॉर्ट्स वीडियो से रिलेटेड। यहाँ पे आप सभी को ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप कॉपीराइटेड शॉर्ट्स वीडियो को यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आप कॉपीराइटेड शॉर्ट्स वीडियोस को यूज मत कीजिए। अपना खुद का लिपसिंग शॉर्ट्स ओरिजिनल वीडियोस बनाइए अपने वॉइस में। और सॉन्ग एड्स की बात करें तो सॉन्ग आप यूट्यूब के भी लाइब्रेरी से अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको इस्तेमाल ही करना है तो आप डिस्क्लेमर डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अथॉरिटी यूट्यूब देता है। बट यहाँ पे चांसेस कम है से आपको शॉर्ट्स वीडियो में वो लेबल मिल पाए, ठीक है। तो अगर आपको वो लेबल चाहिए शॉर्ट्स क्रिएटर में, जो मतलब कि आप देख रहे होंगे कि फंड रेज हुआ है, यूट्यूब खुद किया है, तो अगर आप फंड रेज में आना चाहते हैं, उस लेवल में आना चाहते हैं, तो आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना होगा। साथ ही साथ आपको म्यूजिक की बात करें तो यूट्यूब लाइब्रेरी से म्यूजिक ले सकते हैं। बात करें यूएसए के क्रिएटर्स की, तो यूएसए क्रिएटर्स के आप अगर शॉर्ट्स देखें तो बहुत सारे शॉर्ट्स के जो बैकग्राउंड वॉइस है वो यूट्यूब के लाइब्रेरी सेक्शन से ही रहते हैं, और वो सब क्रिएटर्स के जो शॉर्ट्स वीडियो है वो मिलियंस में भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बॉलीवुड सॉन्ग या फिर हॉलीवुड सॉन्ग के म्यूजिक अगर आप लिपसिंग करके बजाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके वही सॉन्ग वायरल होंगे और कोई आलतू फालतू सॉन्ग वायरल नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेझिझक यूट्यूब के लाइब्रेरी के सॉन्ग्स भी को यूज कर सकते हैं, वो यूट्यूब आपको अथॉरिटी देता है और ये फ्री कॉपीराइटेड सॉन्ग्स हैं, जिससे अगर आप ये यूट्यूब लाइब्रेरी से सॉन्ग कॉपी करके यूज करते हैं तो चांसेस आपके 100% हो जाते हैं शॉर्ट्स वीडियो के उन क्रिएटर्स में आने के लिए जो एलिजिबल है $100 से लेकर के $10,000 तक अर्निंग करने के लिए, ठीक है। अर्निंग फंड में आने का है आपको तो आपको यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चलना होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल को, और एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मेरा बहुत मोटिवेट करता है। और कमेंट करके आपको मुझे ये बताइए इससे आपको ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले वीडियोस में आप कौन से टॉपिक्स रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।